वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड केस के चल रही सीबीआई जांच में तेजी आने की उम्मीद है। लंबी कोशिशों के बाद इस डील के एक प्रमुख बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को यूएई से भारत लाया गया है। 2010 में भारतीय वायुसेना के लिए 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए इंग्लो इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड और भारत सरकार के बीच करार हुआ था। जनवरी 2014 में भारत सरकार ने 3600 करोड़ रुपए के करार को रद्द कर दिया। आरोप था कि इसमें 360 करोड़ रुपए का कमीशन लिया गया। इसके बाद भारतीय वायुसेना को दिए जाने वाले 12 W101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की सप्लाई के करार पर सरकार ने फरवरी 2013 में रोक लगा दी थी। जिस वक्त ये आदेश जारी किया गया, भारत 30% भुगतान कर चुका था और बाकी 3 अन्य हेलीकॉप्टरों के लिए आगे के भुगतान की प्रक्रिया चल रही थी। ये मामला इटली की अदालत में चला, जिसमें ये बातें उजागर हुई कि 53 करोड़ डॉलर का ठेका पाने के लिए कंपनी ने भारतीय अधिकारियों को 125 करोड़ रुपए तक की रिश्वत दी थी। इतालवी कोर्ट के फैसले में पूर्व आईएएफ चीफ एसपी त्यागी का भी नाम सामने आया था। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का खुलासा होने के बाद यूपीए सरकार को विपक्ष ने घेर लिया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई थी इस मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। ये भी आरोप लगे थे कि मोदी सरकार ने इटली से सोनिया गांधी के खिलाफ सबूत मांगे थे। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर बिक्री में गलत अकाउंटिंग और भ्रष्टाचार करने को लेकर फिन मेकानिका के पूर्व प्रमुख गुस्से पोर्सी को 4.5 साल कैद की सजा सुनाई गई। इतालवी रक्षा एवं एरोस्पेस कंपनी ने 3600 करोड़ रुपए में 12 चौपर की डील की थी, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर मिलान की अपीलीय अदालत ने 2014 के पिछले अदालती आदेश को पलट दिया। आरोप है कि मिशेल एक बिचौलिया है जो जिसने सौदे अगस्ता वेस्टलैंड समझौते को अंजाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उसने अपने पिछले बयान पर कायम रहते हुए कहा था कि इस डील में यूपीए सरकार की लीडरशिप शामिल नहीं थी। मिशेल ने ये भी बताया था कि उसे एक डील साइन करने के लिए कहा गया था, जिसमें कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बातें थीं, लेकिन उसने इस डील को ठुकरा दिया।